Find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. देखिए sum of roots क्या दे रखा है अपने को, root 2, और product of roots क्या दे रखा है 1/3. ठीक है, हमें sum of zeros क्या दे रखा है, root 2. Sum of zeros is given to be root 2, और product of zeros कितना है 1/3. तो equation क्या होती है, quadratic polynomial होता क्या है, quadratic polynomial is एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी रूट टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3. आप इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3, यानी क्या आप लिख सकते हो 3x² माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3, यानी क्या 1/3 इंटू 3x². एक गलती कर दी है मैंने, मैं ठीक कर देता हूँ. ठीक है, दैट इज x² माइनस ये जो 3 है इधर, ठीक है ये जो 3 है ये इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा माइनस माइनस 2√3x + 1. ठीक है ना, तो फिर ये फाइनली क्या हो जाएगा 1/3 3x² माइनस 2√3x + 1. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया.